हेलो दोस्तों, आपको सुबलाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज है 28 अगस्त 2023, आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा। यानी नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में 88.17 मीटर थ्रो करके स्वर्ण पदक जीते हैं। जैकब बादलेज ने 86.67 मीटर थ्रो करके इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत के एचएस प्रणय ने पुरुष एकल स्पर्धा में कौन सा पदक जीते हैं? और इसका सही आंसर है कांस्य पदक। यानी डेनमार्क में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत के एचएस प्रणय ने पुरुष एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका सही आंसर है एन से योंग। यानी डेनमार्क में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के महिला एकल स्पर्धा में एन से योंग ने स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एन से योंग। ये कोरिया की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और कोरिया की पहली महिला हैं जिन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित टेंट पेगिंग विश्व कप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? और इसका सही आंसर है कांस्य पदक। यानी दक्षिण अफ्रीका में आयोजित टेंट पेगिंग विश्व कप 2023 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कांस्य पदक। टेंट पेगिंग घुड़सवार सेना का एक खेल है जिसमें सवार को भाले से जमीन पर रखे लकड़ी के गुटके को उठाना पड़ता है। इंटरनेशनल टेंट पेगिंग फेडरेशन में कुल 29 देश शामिल हैं और विश्व कप में 9 देशों ने भाग लिया था। कर्नल एसएस सोलंकी को भारतीय घुड़सवार महासंघ द्वारा टेंट पेगिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता है? और इसका सही आंसर है नोवा लायल्स। यानी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में नोवा लायल्स ने स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नोवा लायल्स। नोवा लायल्स ने उसेन बोल्ट की बराबरी की है 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंगम इंग्लैंड में आयोजित महिला ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका सही आंसर है भारत। यानी बर्मिंगम इंग्लैंड में आयोजित महिला ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड गेम्स 2023 में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत। किसे हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60वीं शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है एसपी सेतुरमन। यानी 60वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब एसपी सेतुरमन ने जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एसपी सेतुरमन। एसपी सेतुरमन को 6 लाख रुपए नगद मिले जबकि उपविजेता को
4 लाख रुपए मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में आयोजित द हंड्रेड्स वीमेन्स 2023 का किताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है साउदर्न ब्रेव, यानी इसका सही आंसर है साउदर्न ब्रेव, यानी इंग्लैंड में आयोजित द हंड्रेड्स वीमेन्स 2023 का किताब साउदर्न ब्रेव ने जीते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए द साउदर्न ब्रेव। द हंड्रेड एक पेशेवर फ्रेंचाइजी 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें 8 पुरुष और 8 महिला टीमें शामिल हैं, जो इंग्लैंड और वेल्स के प्रमुख शहरों में स्थित है। इस टूर्नामेंट को इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। इसकी शुरुआत जुलाई 2021 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी यानी आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है कमलजीत सिंह ढिल्लो, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कमलजीत सिंह ढिल्लो को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी कमलजीत सिंह ढिल्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है? और इसका सही आंसर है एमनन्स मनंगावा, यानी एमनन्स मनंगावा जिम्बाब्वे के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी एमनन्स मनंगावा। अब करेंट अफेयर्स रिवीजन, करेंट अफेयर्स रिवीजन में कल का करेंट अफेयर्स यानी 27 अगस्त 2023 के करेंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। इंडियन पंप मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर है के बी कार्तिक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी के बी कार्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और इसका सही आंसर है इगा सुयाटेक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी इगा सुयाटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकू अजरबैजान में आयोजित शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? और इसका सही आंसर है 6, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपना पदचिन्ह छोड़े हैं उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? और इसका सही आंसर है तिरंगा पॉइंट, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए तिरंगा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 का चंद्रमा लैंडिंग जिस स्थान पर उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? और इसका सही आंसर है शिव शक्ति, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए शिव शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है जमशेदपुर झारखंड, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी जमशेदपुर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? और इसका सही आंसर है असम, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेट से वंचित या कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में UPI लाइट वॉलेट के जरिए ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि को 200 रुपया से बढ़ाकर कितने रुपये करने का निर्णय लिया है? और इसका सही आंसर है 500 रुपया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी 500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस पर नियमों का पालन न करने के लिए एक मामले में 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? और इसका सही आंसर है भारतीय एयरटेल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी भारतीय एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर है? और इसका सही आंसर है पंजाब, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? और इसका सही आंसर है उत्तराखंड, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 25 अगस्त को 31,000 स्कूलों में नाश्ता योजना शुरू किया है?
और इसका सही आंसर है तमिलनाडु, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका सही आंसर है अमृत माथुर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी अमृत माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे कब मनाने का घोषणा किए हैं, यानी इसका सही आंसर है 23 अगस्त। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाने की घोषणा किए हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी 23 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड के देव कोहली का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो क्या थे, वो एक गीतकार थे, यानी इसका सही आंसर है सी गीतकार।